दोस्तों अभी मैंने एक ही कैमरा कनेक्ट किया हुआ है एक नंबर पे, तो मैंने इसी में कनेक्शन किया है। सो गाइस आप देख सकते हैं इसका एक रिमोट है, अगर रिमोट का बटन दबाऊंगा मैं तो मेरा कैमरा बंद हो जाएगा। गाइस इंट्रो देखने के बाद आपको लगा होगा ये प्रोडक्ट किस काम का, ये हमें क्यों लेना चाहिए, इससे क्या फायदा, कैमरा बंद कस्टमर क्यों करेगा, इसके कई सारे क्वेश्चंस आपके मन पे क्रिएट हो रहे होंगे। सो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये डिवाइस क्यों बनाई। बेसिकली एक कस्टमर की डिमांड आई थी, उनका क्या मोटिव था ऐसा कैमरा लेने का जिसे वो बंद कर सकें। दो या तीन रीजन थे, उन्होंने अपने घर पे भी कैमरा लगवाए, वहाँ पे भी मुझसे स्विच लगवाया, उन्होंने अपने गोडाउन पे अपने ऑफिस में कैमरा लगाए, वहाँ पे ही मुझसे स्विच लगवाया। अब उसका क्या रीज़न था मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली कर लूँ। कई समटाइम क्या होता है, कस्टमर चाहता है कि वो जैसे कैमरा लगा हुआ है कि आठ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आठ में से एक या दो कैमरे वो अपने पर्सनल एरिया में भी लगवाता है। अब पर्सनल एरिया हम किसे कहते हैं, पर्सनल एरिया हम कह सकते हैं अपने जैसे कई लोग क्या होता है कि अपने बच्चे के लिए, जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वो घर से जाते हैं, पीछे से केयर टेकर आती है, घर पे काम करती है, या कई लोग क्या करते हैं कि घर पे काम वाली रखते हैं, काम वाली घर पे आती है और वो काम करती है। अब उसमें होता क्या है कि वो कैमरा तो लगवा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि एवरी टाइम उसकी रिकॉर्डिंग होती रहे। कई लोगों के मदर या फादर बेड पे होते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा हिल नहीं सकते, उनकी भी केयर टेकर आती है, उनकी देखभाल के डॉक्टर्स आते हैं, तो पूरे दिन केयर टेकर को देखना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हस्बैंड जॉब पे गया हुआ है, वाइफ भी समटाइम बाहर जाती है, तो वो अपने मदर या फादर के रूम में भी एक कैमरा लगा देते हैं कि भैया हम जब चाहें उसे देख सकें। लेकिन होता क्या है, समटाइम ऐसा होता है कि मदर या फादर को कपड़े चेंज करने होते हैं, तब वो चाहते हैं कि वो कैमरा बंद हो जाए, तो उस केस के लिए वो जब चाहे कैमरे को बंद कर सकें, जब चाहे कैमरे को ऑन कर सकें। एक और रीज़न, अगर क्लाइंट ने अपनी ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में कैमरा लगवाए हैं, तो वहाँ पे कई बार ऐसी डीलिंग्स होती हैं, ऑफिस में भी कैमरा लगवाते हैं कस्टमर, तो ऑफिस में ऐसा होता है समटाइम कि उनको पेमेंट की लेन देन करनी है या कुछ और काम करना है, पर्सनल कुछ काम करना है, उस टाइम पे वो चाहते हैं कि ऑफिस वाला कैमरा बंद हो जाए, या फिर वो डिस्प्ले बंद करना चाहते हैं कि भैया मेरे ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, किसी को भी पता ना चले, तो उस टाइम के लिए क्लाइंट चाहता है कि रिमोट से ही कैमरे को ऑन ऑफ कर सकें। सो गाइस एक मैं डिवाइस लेके आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार ही। तो ये डिवाइस है, इसमें आप रिमोट अटैच कर सकते हैं, एक रिमोट इस टाइप का आता है, एक रिमोट इस टाइप का आता है। सो इसका बटन प्रेस करने से ही कैमरा आपका बंद हो जाएगा, एक बार ही प्रेस करेंगे कैमरा बंद, एक बार ही प्रेस करेंगे कैमरा ऑन। सो बेसिकली रिमोट से ही आप कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसकी रेंज कितनी होती है और ये कितना रिलायबल है, गाइस सबसे पहली बात कि ये लोकल प्रोडक्ट नहीं है, इसकी एक साल की वारंटी आती है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाए कि आइटम इतना बुरा नहीं है, जिसकी वारंटी आती है उसमें कोई भी दिक्कत इतनी जल्दी नहीं आती। रेंज कितनी है, अब सपोज़ कीजिए कि ऑफिस में ही कैमरा लगा हुआ है, ऑफिस में ही डीवीआर लगा हुआ है, वहीं पर हमने कनेक्शन किया और वहीं से ही हम अपने रिमोट को ऑन ऑफ कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे से भी करते हैं 10 मीटर 20 मीटर दूरी पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बात करूँ ब्राउन रिमोट की, तो इसमें एंटीना होता है, तो इसमें रेंज और बढ़ जाती है। तो दोनों रिमोट आप ले सकते हैं, जो भी आप किट लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसमें दो रिमोट साथ में आते हैं, दो रिमोट का मतलब दो ब्लैक ले सकते हैं या दो ब्राउन ले सकते हैं। तो इसकी पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये इंस्टॉल कैसे करना होता है। ये सिर्फ चार तारे हैं, चार तारों कैसे कैसे जोड़ना होता है प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको मेनली थोड़ा सा समझा देता हूँ। गाइस अगर हम बात करें ऊपर की ऑरेंज व्हाइट की तार की, तो ये माइनस प्लस है, तो आपने सप्लाई जो लगी होती है कैमरे की माइनस प्लस वाली, वहाँ पे इसे देना है। एक कैमरा जो भी आपको बंद करना है या फिर आपको सारे के सारे कैमरे बंद करने हैं, तो सारे के सारे माइनस आपकी अगर लगी हुई हैं तो आपने माइनस निकालनी है, माइनस के बदले एक पॉइंट ये लगाना है और जो निकाली है तार वहाँ पे ग्रीन जोड़ देंगे। तो बेसिकली ये स्विचिंग है, तो जैसे ही आप रिमोट का बटन दबाएंगे स्विचिंग आ जाएगी, जैसे ही रिमोट का बटन दबाएंगे स्विचिंग चली जाएगी। एलईडी भी शो करती है, एक लिंक देती है। सो ये प्रोडक्ट काफ़ी काम का है, मेरे काफ़ी क्लाइंट के यहाँ मैं लगा चुका हूँ, तो मुझे लगा शायद से मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए इसके बारे में। मतलब आप जानना चाहते हैं कि ये आइटम कितने का है, आप बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दे रहा हूँ जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस आइटम की कॉस्ट कितनी है। अगर आपको लेना है तो वहाँ से बाय भी कर सकते हैं आप, ई कॉमर्स वेबसाइट है मेरी खुद की है, तो वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। COD का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ एक कंडीशंस है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि आप कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है।
सो गाइस मेनली अभी चलेंगे हम प्रैक्टिकली इसकी इंस्टॉलेशन देखने के लिए और प्रैक्टिकली कैमरे को ऑन ऑफ करने के लिए कि रिमोट से कैसे कैमरा ऑफ और ऑन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस रेड ये प्लस है, ब्लैक माइनस है, लिखा हुआ है वी माइनस वी प्लस। सो माइनस टू दिखाया था थोड़ा क्लोजली आपको, ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, ये एसी की दो तारे हैं न्यूट्रल और कॉमन जो कि जा रही है करंट में हमारे। सो अगर आपके कैमरे ज्यादा हो, अगर सपोज कीजिए आपके 6 कैमरे हैं 10 कैमरे हैं, तो जो भी कैमरा आपने बंद करना है सिर्फ उसकी तार निकालनी है माइनस। आपने करना कैसे कैसे आपको बता देता हूँ। ये हमारी रिमोट किट है, रिमोट किट में एक निकल रही है ग्रीन वाइट जो कि है स्विचिंग की, ऑरेंज प्लस है और ऑरेंज की वाइट माइनस है। सो हमें करना क्या है, हमें जो प्लस है वो प्लस में डाल देनी है, जो प्लस लगे वो लगे रहने देंगे और जो माइनस है वो निकाल देनी है यहां से, माइनस निकाल देनी है और माइनस के बदले हमें लगानी है अपनी माइनस जो हमारी रिमोट किट की माइनस है। तो बेसिकली ये हमारी किट को ऑन करने के लिए है माइनस प्लस। अब ये हमने किट लगा दी है, अब इसकी माइनस हमारी बच गई जो हमारे कैमरे से माइनस आ रही है। गाइस जो हमारे कैमरे की माइनस आ रही है वो बच गई और बच गई हमारी ये दो तारे जो कि ग्रीन और ग्रीन की वाइट है। तो एक तार हम कोई भी माइनस में जोड़ देंगे और जो दूसरी तार है वो भी हमें यहां पे दे देंगे माइनस के अंदर ही। सो एक बार आप कनेक्शन समझ जाइए कैसे कनेक्शन मैंने किए हैं। जो हमारी रिमोट किट की ऑरेंज थी वो प्लस थी, वो हमने प्लस में दे दी और जो हमारी रिमोट किट की ऑरेंज की वाइट थी वो हमने माइनस में दे दी और ग्रीन की वाइट भी माइनस में दे दी और ग्रीन तार को हमने जो कैमरे से ब्लैक तार माइनस आ रही थी उसमें जोड़ दी। सो बेसिकली हमारी ये जो किट है इसके हमने कनेक्शन कर दिए हैं। सो दोस्तों हमारा कैमरा देखते हैं एक बारी, कैमरा हमारा प्ले है, हमारा कैमरा प्ले नहीं है। अब जो रिमोट है रिमोट का बटन दबाते हैं, तो हमारा कैमरा प्ले हो गया। इसको बड़ा करते कैमरे को, रिमोट का बटन दबाते हैं, कैमरा बंद, बटन दबाते हैं, कैमरा ऑन। इस पर आप कोई भी बटन दबा सकते हैं, लॉक अनलॉक का बटन कोई आप मैटर नहीं करता, इनमें से कोई बटन दबाएंगे। जैसे सपोज लॉक वाला बटन दबाता हूँ वापस में बंद, अब वापस लॉक वाला बटन दबाता हूँ चालू। सो आपने रिमोट में कोई भी अलग अलग बटन नहीं है, दोनों में से दोनों बटन काम करते हैं, कभी एक बटन खराब भी हो जाए तो इसलिए दोनों में कनेक्शन कर दिया हमने। अगर आपके दो कैमरे आपको अलग अलग बंद करने हैं तो आप इसमें कनेक्शन कर सकते हो, बंद चलो। ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है कि डीवीआई जो है हमारा पुराना है तो ये सर्च करता है कि कैमरा एचडी सीवीआई है, एवी है, एचडी टीवीआई है या फिर कौन सा कैमरा है, वो सर्च करता है इसलिए टाइम लेता है। गाइस मेरा जो मेन मोटिव था वो यही था कि आपको बता सकूं कि कैमरे को ऑन ऑफ करने के लिए, इसमें वीडियो पहले भी लेके आया था मैं एक डिवाइस की जो कि मोबाइल फोन से भी आप ऑन ऑफ कर सकते थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां पे क्लिक करके वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं कि मोबाइल फोन से। अब ये तो हो गई डिवाइस की, आप अगर सेम साइट पे ही अवेलेबल है तो कर सकते हैं, रिमोट हाथ में होना चाहिए। एक डिवाइस ऐसी भी है जो कि आप सेम साइट पे अवेलेबल नहीं है, आप कहीं दूर हैं, आप अपने घर पे हैं और अपने ऑफिस का कैमरा बंद करना चाहते हैं तो भी आप मोबाइल फोन से कर सकते हैं, उसकी वीडियो पर लेके आ चुका हूँ। लेकिन वो वीडियो पूरे के पूरे डीवीआर को बंद करने की थी, एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें आप सिंगल कैमरा दो कैमरे बंद कर सकते हैं, तो जल्दी वाली वीडियो भी आएगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काफी यूजफुल सीसीटीवी के रिलेटेड आइटम्स आती हैं, वो जल्दी एक ऑडियो डिवाइस भी आने वाली है। सो गाइस उन सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, थैंक यू सो मच आप इतने एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।